नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का इन्फोटेक फार्मिंग लीडर चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है किसान भाइयों 1 नवंबर 2022 और दिन हो चुका है किसान भाइयों मंगलवार। समय हुआ है किसान भाइयों, अभी हाल फिलहाल किसान भाइयों 11:06 हुए हैं, वीडियो आपके पास आएगा 11:30 बजे तक। बात कर लेते हैं किसान भाइयों मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी इंदौर की चोइथरा मंडी, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी मंडी शाजापुर मंडी। दोनों मंडियों में आलू, प्याज, लहसुन तीनों जिनसों की कितनी आमदनी देखने को मिली है किसान भाइयों। वहीं तीनों जिनसों का शुरुआती नीलामी का दोनों मंडियों में क्या रेट निकल कर आया है किसान भाइयों, तो इन दोनों विषय में हम बात करेंगे पूरे वीडियो में। और एक महत्वपूर्ण बात करना है आप सभी किसान भाइयों से कि मतलब अंदर से दिल में जो दर्द होता है वो दर्द बयां करना है आप लोगों का कि क्यों दर्द हो रहा है, मुझे क्या कारण से दर्द हो रहा है। इतना ज़्यादा ऊंची आवाज़ में वीडियो बनाने के बाद में भी आपके कान बहरे हैं, आपको सुनाई नहीं दे रहा है, तो इस विषय में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम आपको थोड़ी सी छोटी सी जानकारी मेरे पास वो लेके आया हूँ मैं, वो सुन लीजिए। 95% अंकुरण है नेफिट का, एलोरा और प्रशांत का बेस्ट क्वालिटी प्याज बीज कण, फ्री कैश ऑन डिलीवरी। प्याज बीज के लिए संपर्क करें तुरंत इस नंबर पर, गोपाल जी पाटीदार के नंबर हैं 3993733853, 99937338353। किसान भाइयों, अगर किसी किसान भाई ने प्याज बीज कण अभी तक नहीं खरीदा है तो दोनों हाथ जोड़कर निवेदन है कि सस्ते में एलोरा गुलाबी बेस्ट क्वालिटी का सुपर प्याज आपको इन भाई साहब के पास मिल सकता है। गोपाल जी पाटीदार, हरिओम जी पाटीदार, जर्मिनेशन देख लीजिए आप कितनी बेस्ट क्वालिटी का जर्मिनेशन है। यानी कि मान के चलें आपके अगर इनसे आपने कण मंगवाया, अगले साल फिर मंगवाएंगे। इस साल अगर आपने मान लो थोड़ा कम मंगवाया, अगले साल ज़्यादा मंगवाएंगे, मेरी गारंटी है। आप एक बार इनको मौका देके देखिए, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी वाला ये कण प्याज बीज कण बेच रहे हैं। नंबर मैं आपको फिर से बता देता हूँ एक बार, 3993733853। तो वो क्या भड़ा से मेरे दिल में, पहले वो निकाल लूँ, इसके बाद हम मंडियों की बाद में बात करेंगे। मैंने कहा था कल, जितने भी मैंने वीडियो, तीन वीडियो दिए थे, तीनों वीडियो में कहा था कि आपको मंडी में भीड़ नहीं करना है, आपको सीमित मात्रा में धीरे धीरे अपना प्याज निकालना है। लेकिन गलती आपकी भी नहीं है, हर व्यक्ति मेरा वीडियो आजकल देख नहीं रहा है, 1,000, 1,500, 2,000 लोग ही देख रहे हैं, ज़्यादा ज़्यादा 2,500 लोग, कम से कम 25,000 लोग अगर जिस दिन देखने लगेंगे वीडियो, वो समझ लीजिए कि उस दिन मंडी में भीड़ नहीं होगी। लेकिन अभी बहुत कम लोग वीडियो देखते हैं, उस कारण से मंडियों में भीड़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मेरा सिर्फ इतना सा निवेदन है किसान भाइयों कि ये भीड़ अगर आप करेंगे तो 100% आपका ही घाटा है, भीड़ बिल्कुल भी ना करें किसान भाइयों। शाजापुर मंडी में आज आपने 40 से 45 हज़ार कट्टे, मतलब टोटल मिला के दोनों जिनसों को मिला के, तीनों जिनसों को मिला के 45 हज़ार वापस कर दिए कट्टे किसान भाइयों। इंदौर मंडी की अगर मैं बात करूँ तो इंदौर मंडी किसान भाइयों सुबह 65 हज़ार प्याज के कट्टे थे, मात्र 65 हज़ार, 8 हज़ार कट्टे आलू के थे और 12 हज़ार कट्टे हमारे लहसुन के, टोटल मिला के 85 हज़ार कट्टे की आवक थी। 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर किसान भाइयों आपने वहाँ पे 1,00,000 कट्टे कर दिए हैं और बाहर कम से कम 25,000 कट्टे अभी खड़े हुए हैं वाहन बाहर, अगर वो अंदर लेंगे तो 1,25,000 कट्टे आज भी हो जाएंगे, मतलब कल वाला ही मामला है। सब बोल रहे थे कि प्याज मध्य प्रदेश में बचा ही नहीं है, कहाँ से आ गया इतना प्याज। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे मध्य प्रदेश का जो इंदौर मंडी है वाकई में बहुत शानदार मंडी है। इंदौर मंडी में बहुत सारे फड़ ऐसे हैं जहाँ पे रेट कम दिया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े जो फड़ हैं वो बहुत अच्छा रेट दे रहे हैं और आज भी कमाल कर दिया इंदौर मंडी के व्यापारियों ने, बहुत अच्छा रेट दिया है। आज जो रेट दिया है उन्होंने, कल से मान के चलेंगे 300 रुपये की आज तेज़ी है प्याज बाजार में, कहाँ पर, इंदौर मंडी में। उसका उल्टा विपरीत कर दीजिए आप शाजापुर मंडी, शाजापुर मंडी के बारे में मैंने 1,000 बार बोला है कि 20,000 कट्टे से अगर ऊपर जाएंगे तो प्याज का भाव कटेगा, डेफिनेटली कटेगा, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। और 100% आज आपका प्याज का जो भाव है वो कटा है शाजापुर मंडी में और आपको बढ़िया लॉलीपॉप दिया है आज शाजापुर मंडी के व्यापारी भाइयों ने। कुछ व्यापारी भाई है जिन्होंने बहुत ईमानदारी से आज प्याज का रेट दिया है, लेकिन कुछ किसान व्यापारी भाई है जिन्होंने अच्छा रेट नहीं दिया है, तो उन व्यापारी भाइयों से मेरा निवेदन करना चाहूँगा कि किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा तकलीफ है, उनका प्याज बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ख़त्म की कगार पे है, अब उनको रेट थोड़ा सा मिले, ये 2 पैसे ज़्यादा बचे उनका, इसी में मेरा मतलब मेरा जो यूट्यूब चैनल है ये थोड़ा ग्रो हो जाएगा आपकी वजह से, मेरे जितने व्यापारी भाई आप लोगों की वजह से थोड़ा अगर भाव बढ़ा देंगे तो। तो कल मेरा निवेदन है व्यापारी भाइयों से कि कल, आज से कल 200 रुपये तेज मार्केट रहे, मेरा ऐसा आपसे निवेदन है। बात कर लेते किसान भाइयों दोनों मंडियों के आज के भाव के बारे में। किसान भाइयों सबसे पहले मैं बात करूंगा शाजापुर मंडी की। शाजापुर मंडी में किसान भाइयों लहसुन बिकी है 2300-2400 रुपये तक, बेस्ट क्वालिटी की सुपर लहसुन हल्की, 100 रुपये प्रति क्विंटल से लगा के 600 रुपये प्रति क्विंटल तक, मीडियम 600 से लगा के 1500 रुपये, अच्छी क्वालिटी की लहसुन 1500 से 2300-2400 रुपये। बात कर लेते हैं किसान भाइयों प्याज की। प्याज की अगर मैं बात करूँ किसान भाइयों हमारी शाजापुर मंडी की, 50 रुपये से लगा के 150 रुपये में हमारा खादू छाटन जा रहा है, 150 रुपये से लगा के किसान भाइयों 400 रुपये तक हमारा चिगली जोड़ प्याज जा रहा है, मतलब थोड़ा अच्छी क्वालिटी का जोड़ प्याज जो रहता है, चिगली प्याज रहता है वो जा रहा है। 400 से लगा के किसान भाइयों 1200 रुपये तक हमारी गोल्टी जा रही है, अच्छी क्वालिटी की गोल्टी है तो 1400 रुपये तक जा रही है।
गोल्टा की अगर मैं बात करूं तो 800 रुपये से लगा के 1200 रुपये का रेट है गोल्टा का। अच्छी क्वालिटी का गोल्टा हमारा 1600-1700-1800 रुपये तक जा रहा है किसान भाइयों। वहीं अगर मैं बात करूं किसान भाइयों शाहजहाँपुर मंडी में मीडियम मुक्कल प्याज की, तो किसान भाइयों 1600 रुपये से लगा के 1900 रुपये का रेट है। वहीं अगर मैं बात करूं किसान भाइयों एक्स्ट्रा सुपर प्याज 2000 और एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो सुपर प्याज बिका है शाहजहाँपुर मंडी में, वो बिका है आज किसान भाइयों 2200 रुपये तक। इससे ऊपर रेट नहीं है शाहजहाँपुर मंडी में। 2-4-10 लोड बिक जाए तो उसका कोई मतलब ये नहीं है कि इतना रेट बढ़ चुका है। कल किसान भाइयों 2611 मंडी गई थी, लेकिन आज मंडी वापस से रिवर्स आ चुकी है शाहजहाँपुर मंडी। शाहजहाँपुर मंडी ऊपर में टॉप क्वालिटी किसान भाइयों आज प्याज गया है 2350 रुपये तक, 1,24,000 रुपये बिका है। इससे ऊपर का कोई रेट नहीं है किसान भाइयों। मैं आपको लाइव वीडियो भी दे रहा हूँ, शाहजहाँपुर मंडी के 2-3 लाइव वीडियो हैं। राठी जी ने अच्छा रेट दिया है आज, 2300 रुपये, 2200 रुपये, 2350 रुपये, 2400 रुपये तक राठी जी ने आज माल खरीदा है। मैं उनको धन्यवाद दूंगा और मैं कहना चाहूँगा उनसे कि आप इसी प्रकार हमारे किसान भाइयों का मनोबल बढ़ाते रहें। किसान भाइयों वही बात अगर मैं करूँ दूसरे जितने भी फड़े वहाँ की, तो उनमें भी माल अच्छा बिका है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। विष्णु जी पाटीदार ने भी आज 2200-2300 रुपये तक माल खरीदा है। राजेश जी पाटीदार ने 2200 रुपये तक माल खरीदा है। बात करें वेदांत वाले की, तो उन्होंने 2200-2300-2350 रुपये तक माल खरीदा है। चलिए किसान भाइयों बात कर लेते हैं अब हमारा इंदौर मंडी की। इंदौर मंडी की अगर मैं बात करूँ मेरे किसान भाइयों, प्यारे किसान भाइयों, तो इंदौर मंडी में जितने भी व्यापारी, सभी को बड़े बड़े व्यापारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने आज प्याज में रिकॉर्ड तोड़ तेजी देखी हमें दिखाई। हम ये मान के चले कि सोलापुर मंडी का जो रेट है वो हमें इंदौर मंडी में आज हमारे किसान भाइयों को दिया गया है। 50 रुपये से लगा के किसान भाइयों 300-350 रुपये तक हमारा खादू छाटन बिका है। 500 रुपये तक चिकली और जोड़ गया है। 500 से लगा के किसान भाइयों 1200 रुपये तक गोल्टी बिकी, अच्छी क्वालिटी की गोल्टी 1500-1600 रुपये तक बिकी है। गोल्टा प्याज की बात करें किसान भाइयों 1200 रुपये से लगा के 1600 रुपये तक बिका है। अच्छी क्वालिटी का गोल्टा 2000 रुपये टच हुआ है। मीडियम प्याज किसान भाइयों 2100 रुपये तक, मुक्कल प्याज किसान भाइयों 2200 रुपये तक, और एक्स्ट्रा सुपर प्याज किसान भाइयों 2300 रुपये तक बल्क में बिका है। एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो सुपर प्याज है किसान भाइयों 2300 रुपये से लगा के 2500 रुपये तक बिका है किसान भाइयों इंदौर की चोइत्रा मंडी में। अब हम बात करेंगे किसान भाइयों कि 2500 रुपये से लगा के ऊपर में कहाँ तक रेट है, तो 2500 से लगा के 3000 तक किसान भाइयों मिनिमम 50 लॉट बिके इंदौर मंडी में आज। 2500 से 3000 के बीच में 50 लॉट किसान भाइयों बात करेंगे। 3000 से लगा के ऊपर कुछ रेट है क्या, तो 3000 से लगा के 3200 के बीच में 3 लॉट बिके हैं। 3200 से लगा के 3300 के बीच में 2 लॉट बिके हैं, और 3300 से लगा के 3400 के बीच में 1 लॉट बिका है। तो मैं सभी किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि इंदौर मंडी आप प्याज लेके जाइए, बहुत अच्छा माल। तो किसान भाइयों आपसे सिर्फ इतना सा निवेदन है मेरा कि आप जाइए, बहुत ही शानदार आपको इंदौर मंडी में भाव मिलेगा। अगर आपको प्याज अगर बेचना है अच्छे भाव में, तो इंदौर मंडी लेके जाइए प्याज आप। सभी किसान भाइयों का धन्यवाद। जय जवान जय किसान, जय हिंद जय भारत।
तीन इकहत्तर इक्यावन बावन पचपन साठ रुपया तिहत्तर छिहत्तर तिहत्तर पिछहत्तर अस्सी नब्बे चौदह नब्बे इक्कीस सौ रुपया एक सौ ग्यारह बारह पच्चीस इक्कीस सौ तीन इकहत्तर इक्यावन बावन पचपन साठ रुपया इक्कीस सौ पिहत्तर छिहत्तर तिहत्तर पिछहत्तर अस्सी नब्बे बाईस सौ रुपया बाईस सौ रुपये बाईस सौ कुछ बातें हमारी रह गई थी किसान भाइयों, जो मैं आपसे करना चाहूँगा फिर से। किसान भाइयों, आप सभी किसान भाइयों ने हमारा ये वीडियो देखा, लेकिन आप वीडियो देख के पूरा देख लेते हैं फिर भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप सभी किसान भाइयों से दोनों हाथ जोड़कर निवेदन है, आवेदन निवेदन हम्बल रिक्वेस्ट कि चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब करें। उससे क्या होगा कि आपको आने वाले समय में हमारा जो प्याज का जो बीज है, कण है, इसको आप खेत में डाल रहे हैं, इसके बारे में हम जानकारी आपको देंगे, इसमें कौन सी दवाई कौन सा खाद डालना है, आपके प्याज जो हैं उनको बेस्ट क्वालिटी का लेके जाएंगे हम, इस बार बहुत शानदार उत्पादन दिलवाएंगे आपको। हमारा ऐसा एक मुहिम चला रहा हूं मैं कि हमारे जितने भी किसान भाई हैं हमारी इस मुहिम से जुड़ें और उनको फ़ायदा हो। सिर्फ मंडी भाव के अलावा मैं बहुत कुछ जानकारी खेती के संबंधित भी आपको देने वाला हूँ। तो किसान भाइयों, जो भी किसान भाई हैं इस वीडियो को देख रहा है, सभी से दोनों हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को तुरंत जाकर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। सभी किसान भाइयों का धन्यवाद। जय जवान जय किसान, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।